जय हिंद जय भारत। तो आप देखने लाइव अमृतसर में हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज मैं क्राइम की एक ऐसी दास्तान लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, शहर का हाई प्रोफाइल मामला है। पंडित नरेश धामी है, प्रेसिडेंट पंजाब ब्राह्मण कल्याण मंच के। सबसे बड़ी बात, पंजाब पुलिस थाने के ये कमेटी के मेंबर भी और नवजोत सिंह सिद्धू के खासम खास है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने चुनाव भी लड़ा, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा इन्होंने, और इनके घर पर पुलिस ने ऐसा गदर मचाया। और आज 6 साल हो गए इनको इंसाफ में मिला। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कमेटी बिठाई जस्टिस मेहताब सिंह गिल की, और उनके आदेशों के बाद अब पुलिस कमिश्नर और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को आदेश आया है आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की। तो हम सीधे बात करते हैं पंडित नरेश धामी जी, ये क्या वाक्य है और कब का वाक्य है? जी मैं पंडित नरेश कुमार धामी, मैं ये बता रहा हूँ की दिनांक 4/12/2014 के वक्त रात 11:30 का होगा कि एसएच ओ सी डिवीजन सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में ऑल सिटी के एसएच ओ साहिबान, जिन्होंने मेरे घर में दस्तक दी और मेरे घर के मेन गेट को जो ताला लगा था उसको तोड़ा, उसको तोड़कर अंदर एंटर हुए। फर्स्ट फ्लोर पर सारी शॉप थी, उन सब दुकानों को तोड़ा गया, सभी की तलाशी ली। उसके बाद दूसरे शॉप पर गए, वहाँ भी 5 दुकानें थी, उनको भी तोड़ा गया पर कुछ नहीं मिला। जब तीसरे फ्लोर पर मैं रहता हूँ, इसके बाद तीसरे फ्लोर में सुरेंद्र कुमार एसएच ओ समेत उनके गनमैन मेरे तीसरे पोस्टर में दाखिल हुए और चप्पलों के साथ, एक जो लोहे के चप्पल होते हैं उनके साथ मेरे घर के दरवाजों को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद ये मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद सारी तलाशी वगैरह ली, मेरे घर में कोई सामान इनलीगल गैर कानूनी कोई सामान नहीं मिला। तो ये जिसके हाथ में जो आया वो ले गया। जब मैं रात को घर गया तो मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा था। जब मैंने अपनी अलमारी वगैरह चेक की, वहाँ से 1,20,000 रुपये नगद, 3 मुंदरी जो अपना डायमंड की थी, एक चैन 25 ग्राम की, 85,000 रुपए की आतिशबाजी मेरे लड़के की पड़ी थी पंडित अर्जुन की, वो भी साथ ले गए। जब जो पड़ोसी थे 2-4 लोग, जब उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, कि आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो, जनता घर है प्रधान जी का, उनको आने दो। और 1-2 औरतें आगे हुई, पर पुलिस के एसएच जो कुलविंदर कुमार ने उनको धक्का मारकर पीछे कर दिया। ये जो काम हुआ है, जब इन्होंने मेरा जो ग्राफ तोड़ा मेरे घर का, उससे पहले कम से कम मैंने 70 पैसे किए होंगे कुलविंदर कुमार के मोबाइल पर, सरकारी मोबाइल पर, पर्सनल मोबाइल पर। मैंने उसको बोला मेरा घर मत तोड़ो, अगर आपको मेरे घर के बारे में कोई शंका है तो मेरे घर के बाहर गार्ड लगा दो, चंद घंटों में मैं अमृतसर आ जाऊंगा, तो आप मेरे होते हुए तलाशी ले लेना, अगर मेरे घर से कोई सामान निकलेगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई कर दीजिएगा। पर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। अच्छा, क्या वजह नरेश धामी जी, आप आतंकवादी रहे हैं या आप ड्रग्स तस्कर थे, रातों रात पुलिस का ताला तोड़ने के पीछे तो कोर्ट के ऑर्डर उन्होंने ये रखे थे क्या? मेट्रो ये है जी, एक प्रॉपर्टी का झगड़ा था, मेट्रो फैन की फैक्ट्री थी 100 फुटी रोड अमृतसर में, मेरी उनके साथ पार्टनरशिप थी अवतार सिंह मेट्रो के साथ। इन्होंने उस बिल्डिंग का जो ऑनर था सरदार प्रद्युम्न सिंह, ये जो बुलारिया साहब हमारे एमएलए हैं, बुलारिया साहब का एक पीए था मिस्टर हरमन के ससुराल मिस्टर लाल जी, उन्होंने धोखाधड़ी से प्रद्युम्न सिंह से वो प्रॉपर्टी निकाली जो कि करोड़ों रुपयों की थी। तो जब उन्होंने प्रॉपर्टी निकाली तो ये मुझे प्रेशर डालने लगे कि ये प्रॉपर्टी खाली करो। मैंने बोला मेरे पैसे लगे हैं, ये बोलते नहीं, हम नहीं जानते प्रॉपर्टी खाली चाहिए। तो मैंने मैडम सुलेखा रानी की कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया, जिससे हरमन बुलारिया ये बुखला गया। इसने मुझे कहा इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। अच्छा नरेश जी, आप सांझ कमेटी के भी आप मेंबर हैं, तो ये बताइए पुलिस की सांझ कमेटी है लोगों के दुख तकलीफ में, जो कि एफआईआर नहीं होती सुनी जाती है, ये आपका काम था, तो आपके साथ ऐसा कुछ तो पुलिस ने आपके साथ क्यों नहीं दिया? देखो जी, सांझ कमेटी का मैं मेंबर हूँ, अभी भी हूँ, काफी समय से हूँ। मैं सांझ कमेटी में लोगों के झगड़े सुनता था, ज्यादातर झगड़े आते थे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के। हमारी कोशिश होती थी कि दीनों बहनों का काम है, इनको सुलझाया जाए, लेकिन
कई घर बसा दिए, कई नहीं बसेगी। बस ये जो इस वक्त का माहौल चल रहा है, पंजाब का कोई ऑफिसर ऐसा नहीं होगा जिस जहां जाकर मैंने अपनी फरियाद नहीं की, पर इस बात से जो मेरे केस से बात साबित होती है, भगत भी चोर, भगवान भी चोर, फरियादी फरियाद कहां करे। मैं कोई जगह नहीं छोड़ी, आईजी बॉर्डर रेंज, डीआईजी बॉर्डर रेंज, डीजीपी, डीजीपी क्राइम, हर जगह पर फरियाद की, और मेरी किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। एक बात मैं और कहनी चाहता हूँ, हमारी सरकारों ने एक ह्यूमन राइट का दफ्तर खोल रखा है, वो मेरे ख्याल से एकदम पखंड है, जिसकी करोड़ों रुपए सैलरी जाती है महीने की। बट ये जब पुलिस वाले जाते हैं पैसे देकर, तो केस डिसमिस करा देते हैं। जो कंप्लेंटेड होता है वो धक्के खाने के सिवा कुछ नहीं वहां मिलता जी। ये सारे चोर सब रड़े हुए हैं। चलिए पंडित नरेंद्र स्वामी का यह दर्द है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी सरकार में और ये बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े और उन्होंने वहां पे इंसाफ नहीं मिला। प्रकाश सिंह बादल की सरकार, बीजेपी के आप मेंबर, बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा, तो आखिर पहली सरकार जो पिछली सरकार थी उसने आपकी क्यों नहीं सुनी? मैं पिछले समय के दौरान सन 1986 में आतंकवादियों के कलेश में रहा हूँ। मैं जब भी चलता हूँ मैं इनके किसी के पास नहीं जाता जी। मैं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ रिलेटेड हूँ। ये जो लीडर नेता लोग हैं ये समझते हैं हमारे पास क्यों नहीं आता जी। ये सभी ऑफिसरों को पता है ये पॉलिटिकली मामला है, मुझे दबाने के खातिर ये कहते हैं हमारे पास आए। मेरी मर्जी है, मेरे दिल अंतर आत्मा की आवाज है, मैं कहीं जाना है कहीं नहीं जाना। तो इन्होंने मुझे इंसाफ बिल्कुल नहीं मिलने दिया जी। चलिए पंडित नरेंद्र धामी का ये जो दर्द है आपने देखा। सबसे बड़ी बात ये है कि कैप्टन सरकार से आपको उम्मीद कब बनी, कैप्टन सरकार से कब मिले और क्या हुआ, कैप्टन सरकार ने आपके इस केस में क्या किया, बताइए हमारे दर्द को। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी तो इस बात का बड़ा जोर शोर से हल्ला गुल्ला पंजाब में मच रहा था भी कांग्रेसियों को इन्होंने बिना वजह झूठे केस डालकर खराब किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक कमीशन का गठन किया, जस्टिस महताब सिंह गिल वो चेयरमैन थे कमीशन के, एक कमीशन का गठन किया जिन लोगों के साथ पंजाब पुलिस ने धक्केशाही की है उन लोगों के केस उधर रेफर किए जाएंगे। मैं इतफाक से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को मिला, अपनी सारी दुख भरी दास्तान सुनाई। जब उन्होंने मेरी दास्तान सुनी वो भी हैरान रह गए। उन्होंने इमीडिएटली मेरी दरखास्त जस्टिस महताब सिंह गिल कमीशन को फॉरवर्ड कर दी और वहां पर इंस्पेक्टर कुलविंदर कुमार को भी बुलाया गया, एएसआई कुलवंत कुमार को भी बुलाया गया। हमारी बात सुनने के बाद 4/11/2019 को जस्टिस साहब ने पुलिस को ऑर्डर जारी कर दिया भी इस इंस्पेक्टर के खिलाफ सामान चोरी करने का केस रजिस्टर्ड किया जाए। केस रजिस्टर्ड करने के बाद हमारे दफ्तर को इस बात की जानकारी दी जाए। पर बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, अमृतसर शहर में जस्टिस महताब सिंह जी ने दो नोडल अफसर नियुक्त किए हैं, एक डीए लीगल अमृतसर और दूसरा डिप्टी कमिश्नर ऑफ अमृतसर। इनके माध्यम से कोई भी केस रजिस्टर्ड होगा तो जब जस्टिस महताब सिंह का लेटर आया थ्रू सीएम पंजाब तो डीए लीगल ने 17/1/2020 एक चिट्ठी जारी की कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर को भी ये मैटर का केस रजिस्टर्ड किया जाए। पर आज देख लो कितने दिन हो गए हैं चिट्ठी जारी हुए पर आज तक कोई पर्चा दर्ज नहीं किया गया। मैंने 3/1/2020 को सीपी अमृतसर को एप्लीकेशन दी कि मेरा केस रजिस्टर्ड किया जाए पर इधर से सुना इधर से बाहर कर दिया। उसके बाद मैं डिप्टी कमिश्नर अमृतसर को मिलकर अपनी सारी दास्तान सुनाई, उन्होंने मेरी लेटर एग्जैक्टो मजिस्ट्रेट अमृतसर को मार कर दी। दरअसल ये पुलिस वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का मैटर है, ये पेटी बंद पाई है, ये पुलिस के अपने मुलाजमों के ऊपर पर्चा दर्ज करने से घबराते हैं। अगर पुलिस के खिलाफ ऐसा दर्ज नहीं करते तो आपके पास अदालत है, कोर्ट है, आप जा सकते हैं, कोर्ट पे जा सकते हैं, कोर्ट के आदेशों पर पर्चा दर्ज हो सकता है या नहीं? अगर इन्होंने मेरी FIR लॉज ना की मैं बहुत जल्द हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। अच्छा ये बताइए ये जो SHO कुलविंदर कुमार तब थे अब कहाँ है, क्या है? DSP नारकोटिक्स लगे हैं जी गुरदासपुर में।
तो जैसा कि जस्टिस मेहताब सिंह गिल ने बताया कि ऐसे जो आरोपी है कुलविंदर कुमार, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए कि उन्होंने चोरी की या लूट की जो, तो कुल मिलाकर इस महत्वपूर्ण पद पर इनका रहना वहां पे आप समझते हैं कि सही है या गलत? देखो जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे ऑफिसरों को, जैसे एक पब्लिक के आदमी के ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है, पुलिस उसके उनके सारे रिश्तेदारों को लाकर हवालात में डाल देती है। इनको पकड़ कर क्यों नहीं हवालात में डाल रहे? मेरी तो ये डिमांड है, इनको पकड़ कर जैसे आम शहरी को हवालात में बंद किया जाता है, हथकड़ी मारकर कचहरी ले आया जाता है, इनको भी, इनके साथ भी ऐसा सलूक किया जाए ताकि पुलिस के बारे में जो लोगों के मन में गलत धारणा बैठी हुई है, पुलिस का अक्ष सुधर जाएगा इस बात से। देखिए सर, 2014 का मामला है और 2017, 3 साल उधर बीत गए, 3 साल इधर बीत गए, 6 साल बीत गए, 3 साल एक्स सीएम प्रकाश सिंह बादल और 3 साल इधर आ गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार हो या प्रकाश सिंह बादल की सरकार हो, नरेश पंडित नरेश धामी वही के वही है आपके हाथों में। जो कागज है, जो दस्तावेज है, वो आपके लिए भले ही दस्तावेज है, पर जब FIR दर्ज नहीं हुई तो ये दस्तावेज किस काम के? जो ये दस्तावेज हैं, ये मैं दस्तावेज मेरे हाथ में कोई इस रिलेटेड कोई भी कहा जाता है ना, मैं अपनी फाइल में रख लेता हूँ। ये दस्तावेज इसलिए इकट्ठे कर रहा हूँ, अगर कल को कोर्ट में जाना पड़े तो ये सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। मैं राजीनामा करने वाला नहीं हूँ, मेरे ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं। कल को मेरा कोई भी जानी मानी नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार मौजूदा प्रशासन और कुलविंदर कुमार DSP होगा, क्योंकि तो मेरे को थ्रेट आ रही है, मेरे को थ्रेट आ रही है कि ये केस अपना बंद कर दो, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो धमकी आ रही है, ये खादी की तरफ से आ रही है, खाकी की तरफ से आ रही है? ये खाकी की तरफ से आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है, मेरे सामने पंडित मेरे सामने कहा कि खाकी की तरफ से धमकियां आ रही है, और ये जो SHO कुलविंदर कुमार है, तो मैं DSP नारकोटिक सेल में है गुरदासपुर में, सबसे बड़ी बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में जब आई, तो वजूद में जब सरकार आई कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उनके इंसाफ की, उनकी जाग, उनकी जगी, लेकिन ये जाग तब पूरी होगी जब FIR दर्ज होगी। तो इसी उम्मीद के साथ पंडित नरेश धामी जगह जगह जाकर अपनी फरियाद आज भी कर रहे हैं, लेकिन अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर सिंह गुलाब सिंह हो या पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह हो, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल लाइव अमृतसर का, क्या फिर FIR दर्ज कब होगी? जब ऐसे रसूखदार लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आम लोगों की क्या विचार? तो ये लाइव अमृतसर की स्पेशल पेशकश, ऐसे ही आप केस देते रहे और हम ऐसे केस लाते रहेंगे, क्योंकि लाइव अमृतसर का दावा है कि हम वो दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखाएगा। तो आप लाइव अमृतसर पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।